नमस्कार गाइस वेलकम ऑन य सबका बायोलॉजिस्ट चैनल आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के पार्ट एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये फोर्थ पार्ट होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करना एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं एक्सक्रीशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स ऑर्गेन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का रीनल आर्टरी किडनी रीनल वेन आउटा यूरेटर वेनाकेवा यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा इन सभी के अपने अपने फंक्शन हैं। हैंटरी सिस्टम के ऑर्गेन्स फर्स्ट है किडनीज, सेकेंड है यूरेटर्स थर्ड है यूरेनरी ब्लेडर फोर्थ है यूरेथ्रा अब बात करते हैं किडनीज के बारे में यह टू इन नंबर दो होती हैं मतलब किडनी नंबर में सेकंड है बीन शेप्ड बीन शेप की होती हैं किडनीज थर्ड है पॉइंट प्रेजेंट इन एब्डोमेन एबडोमन में प्रेजेंट होती है ऑन इधर साइड ऑफ द बैकबोन बैक बोन के इधर साइड पे बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रोन। किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रोन है अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में ये नेफ्रोन का ही पार्ट होता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के ग्रुप जो कि प्रेजेंट होते हैं बाउमेंस कैप्सूल में रिसीव करने के लिए ब्लड रीनल आर्टरीज से और फिल्टर करते हैं इट इसको बी नंबर पे आते हैं बाउमेंस कैप्सूल ये कप शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्टेन करता है ग्लोमेरुलस सी पॉइंट पे आते हैं कॉन्वोल्यूटेड वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वल्यूटेड इज लॉन्ग एंड एब्जॉर्ब्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स साल्ट्स एंड यूरिया एंड वाटर कॉन्ट्यूबेल लॉन्ग होता है और रिऑब्सर्व करता है वाइटल न्यूट्रिएंट्स को लाइक like ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स साल्ट यूरिया एंड वाटर अब बात करते हैं वाइटल फंक्शंस ऑफ किडनीज के बारे में ये है फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट किडनी का वाइटल फंक्शन है फिल्ट्रेशन और रिमूव करना नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बी है रिओब्ज़ॉर्बशन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स को रीऑब्जॉर्ब करना यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट करता है फॉर्मड यूरिन को जो कि किडनी में बनती है यूरनरी ब्लैडर को अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर यूराइन मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है यूरिन को अब बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में यूरेथ्रा हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिन व यूरिनरी ब्लैडर इज़ फुल यूरेथ्रा मदद करता है यूरिन को रिमूव करने में जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है अब आते हैं आर्टिफिशियल किडनी पे इसका प्रिंसिपल डायलाइसिस होता है डायलाइसिस एक प्रोसीड्यूर है जो कि यूज़ किया जाता है पर्सन के ब्लड को क्लीन करने के लिए बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया मतलब कि वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करके यूरिया को ब्लड से जिसको डायलाइसिस कहते हैं अब देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ पम्प्ड वह प्रेशर जिस पे ब्लड पंप होता है अराउंड द बॉडी बॉडी के अराउंड हार्ट के द्वारा उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह 120 ट्वेंटी अपॉन एटी होता है जो 120 ट्वेंटी एम एम एच जी होता है उसे साइस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो 80 एम एम होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स में एक्सक्रीशन के बारे में गैसियस वेस्ट अच्छा क्या आपको पता है कि प्लांट भी रात के समय में रेस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन लेते हैं गैसियस वेस्ट्स सी ओ टू इन रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन के समय सी ओ टू और ओ टू फोटोसाइंथेसिस के समय रिमूव करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सी ओ टू इन रेस्पायरेशन एंड ओ टू इन फोटोसाइंथेसिस आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन अदर वेस्ट्स जो बचे हुए वे वेस्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं सेलुलर वोकल्स में और इन लीव्स या फिर लीव्स में जो जो कि गिरते हैं या फिर गे सि के रूप में बाहर निकलते हैं ओल्ड जाइलम में अब सेकंड पॉइंट है एक्सक्रीटेड इन सॉइल जो अदर बेस्ट्स हैं वो सॉइल में एक्सक्रीट हो जाते हैं क्वेश्चन hmm. है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अब नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो अपलोड होने वाली है पढ़ाई करते रहें ऑल द बेस्ट